नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जे आई वी मिट सिंपल के चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जे के पीपीबी के प्रीवियस ईयर रिकलेक्टेड क्वेश्चन का कंपाइलेशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, लगभग 300 क्वेश्चन का सेट है जो हमारे पिछले 3 से 4 एग्जाम में पूछे गए हैं, उसका सेट है दोस्तों। और आज हम लोग आपके सामने वीडियो के माध्यम से इसे प्रस्तुत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, PMJDY है, इसका जो ओडी लिमिट है, इसका ओडी फैसिलिटी होगा जिसका ओडी लिमिट कितना है और एज लिमिट कितना है ओडी फैसिलिटी को अवेल करने का। पहला ऑप्शन है 5000 और 18 से 60 साल। दूसरा ऑप्शन है 5000 18 से 65 साल। तीसरा ऑप्शन है 10000 18 से 60 साल। चौथा ऑप्शन है 10000 18 से 65 साल। दोस्तों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है। मैं बताता हूँ दोस्तों, ये लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ताकि एक्सेस प्रोवाइड कर सके फाइनेंशियल सर्विस, सेविंग अकाउंट, रेमिटेंस, क्रेडिट इंश्योरेंस, पेंशन टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इस स्कीम के अंदर दोस्तों बेनिफिशियरी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है 10000 रुपये तक का, और एज लिमिट है दोस्तों 18 से लेकर 60 साल तक का। इसलिए दोस्तों हमारा 18 से लेकर 65 साल तक का, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधी जी का जो फिलॉसफी था ट्रस्टशिप का, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। सेल्फलेस वर्क, नॉन कॉपरेशन, नॉन पोजेशन, ए है ओनली 1 एंड 2, बी है ओनली 1 एंड 3, सी है 2 एंड 3, डी है 1, 2 एंड 3। तो दोस्तों याद रखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली 1 एंड 2। देखिए क्या है दोस्तों कि महात्मा गांधी का जो फिलॉसफी है ट्रस्टशिप का, वो बेस्ड है सेल्फलेस वर्क या नॉन कॉपरेशन पे। उनके अनुसार वेल्थ और प्रॉपर्टी जो है उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वो मीन्स है सोसाइटी को सर्व करने का। वो बिलीव करते थे कि वेल्दी शुड अपने आप को ट्रस्टी माने अपने वेल्थ का और उसे यूज करें सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकता है। ठीक है, RFC अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, NRI, रेजिडेंट, NRI, नॉन रेजिडेंट, नन। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, अल्सवाइट NRI नॉन रेजिडेंट। देखिए, RFC अकाउंट क्या होता है दोस्तों, RFC अकाउंट एक बैंक अकाउंट होता है भारत में जिसको मेंटेन किया जा सकता है फॉरेन करेंसी में बाय एन इंडिविजुअल हु इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड हैज रिटर्न आफ्टर बीइंग एन NRI। तो मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल है जो कि भारत का निवासी है और वो रिटर्न हुआ है भारत में रहकर, ठीक है, NRI रहकर, तो अकाउंट ओपन किया सकता है किसी इंडिविजुअल के द्वारा जिसने, जो कि NRI है दोस्तों, कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 ईयर इमीडिएटली बिफोर रिटर्न टू इंडिया। मतलब भारत आने से पहले वो कम से कम 1 साल तक जो है NRI रहा हो तो वो RFC अकाउंट खुलवा सकता है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि POS का विड्रॉल पर डे पर कार्ड क्या लिमिट है Tier 1 और Tier 2 सेंटर में। ठीक है, तो POS विड्रॉल पर डे पर कार्ड कितना लिमिट है Tier 1 एंड Tier 2 सेंटर में। ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 5000, ऑप्शन डी है 10000। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन बी 2000। देखिए, दो POS पता ही आपको, यानी कि कैश का विड्रॉल होता है बैंक अकाउंट से, एक कार्ड को स्वाइप किया जाता है मर्चेंट के POS सेल टर्मिनल में। तो जो हाईएस्ट लिमिट है पर डे पर कार्ड Tier 1 और Tier 2 सेंटर में, वो है 2000। Tier 1 और Tier 2 आपको पता ही है, सिटी का नाम लिखा हुआ है। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो रिस्क वेट होता है जो बिल परचेज SLC के अंदर होता है कैपिटल एडिक्वेसी पर्पज़ का, वो कितना है, 0.20%, 0.25%, 0.50%, 0.75%। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ही, दैट इज 0.20%। तो बिल परचेज जो LC के अंदर होता है उसका जो रिस्क वेट होता है दोस्तों वो 0.20% है। मतलब दोस्तों ये हुआ कि बैंक को 0.20% अपने कैपिटल का ऐसे बिल के डिफॉल्ट होने के रिस्क के अगेंस्ट रखना पड़ेगा। दोस्तों यदि आपको इस तरह के PDF चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल पे दोस्तों आपको सभी तरह का कंटेंट मिलेगा, आपको PDF मिलेंगे जिसमें MCQs हैं दोस्तों, लगभग 150 से 200 MCQ पर चैप्टर हैं, ताकि हर एक चीज़ को कवर किया गया, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो। दोस्तों वीडियोज़ हैं हमारे पास, हर एक चैप्टर के वीडियोज़ हैं जिसमें सिंपल भाषा में सभी चीज़ को समझाया गया है। और दोस्तों हमारे पास वीडियोज़, PDF, थ्योरी को कंसाइज PDF है दोस्तों। तो इफ़ यू वांट, और इस तरह के हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो यदि आपको इसका कलेक्शन चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें जो कि आप नीचे देख पा रहे हैं, तो आप हमारा पेड प्लान को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल यू कैन व्हाट्सएप योर नंबर ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा गारंटी परफॉर्मेंस गारंटी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है शिपिंग गारंटी, दूसरा ऑप्शन है डेफर्ड पेमेंट गारंटी, तीसरा ऑप्शन है गारंटी फॉर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, चौथा ऑप्शन है गारंटी इन फेवर ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट, पांचवा ऑप्शन है बैंक गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूटेड लायबिलिटी। ए 1, 2 एंड 3, बी 1, 1 एंड 2, सी 2 एंड 3, डी 2, 4 एंड 5। दोस्तों सही जवाब है इसका सी 2 एंड 3। देखिए, परफॉर्मेंस गारंटी क्या होता है, ये बैंक इशू करती है ताकि इंश्योर कर सके कि कस्टमर अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल करे एज पर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म। तो शिपिंग गारंटी, डेफर्ड पेमेंट गारंटी और गारंटी फॉर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ये सभी एग्जाम्पल हैं परफॉर्मेंस गारंटी का। तो शिपिंग गारंटी, डेफर्ड पेमेंट गारंटी एंड गारंटी, तो 1, 2 एंड 3 होगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसका मैं त्रुटि हो गया है, एक सिरस एरर
स्टैंडर्ड हो गया है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गार्निशी ऑर्डर कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है कौन से ऑर्डर, कौन से रूल के अंदर, ऑर्डर 46 रूल 21, ऑर्डर 42 रूल 21, ऑर्डर 21 रूल 46, ऑर्डर 22 रूल 60। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डर 21 रूल 46। तो ये गार्निशी ऑर्डर एक कोर्ट ऑर्डर होता है जो कि बैंक को डायरेक्ट करता है कि वो एसेट को फ्रीज कर ले किसी डेटर का ताकि डेट को पे कर सके, ये कोर्ट इशू करती है ऑर्डर 21 रूल 46 के अंदर। दोस्तों पूछा जा रहा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट होता है MCLR होता है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, नेगेटिविटी कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR, ऑपरेटिंग कॉस्ट, टेनर पेमेंट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट। ऑप्शन ए है 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन बी है 1, 2, 3 एंड 5, ऑप्शन सी है 1, 3, 4 एंड 5, ऑप्शन डी है 2, 3, 4 एंड 5। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 एंड 4। यानी दोस्तों मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट जो होता है ये एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है जिसके बीच जिसके नीचे बैंक लैंड नहीं कर सकती। इसको कैलकुलेट किया जाता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड के बेसिस पे, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR के बेसिस पे, ऑपरेटिंग कॉस्ट के बेसिस पे और टेनर प्रीमियम के बेसिस पे। दोस्तों पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ मेंबर बिलोंगिंग टू BPL फैमिली इन SHG अंडर SGSY मे कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पर्सन इन नॉर्मल केस। यानी दोस्तों बताया जा रहा है कि जितने लोग बिलोंग करते हैं बिलो द प्रॉपर्टी लाइन फैमिली किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में, ठीक है, SHGY स्कीम में, उसके अंदर कितने पर्सन हो सकते हैं नॉर्मल केस में, 5 से 10, 10 से 15, 10 से 20, 20 से 25। आंसर है दोस्तों 10 से 20। याद रखिएगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो एक पार्ट होता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का जो कि लॉन्च किया गया था दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर सके। तो इसके अंदर दोस्तों जितने मेंबर्स बिलोंग करते हैं BPL से वो 10 से 20 लोग होते हैं एक नॉर्मल केस में। फिर दोस्तों बताया जा रहा है आपको, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी बैंक का डायरेक्टर है वो चाह रहा है कि लोन रेज करे आपके बैंक से, तो लोन दिया जा सकता है FDR ऑफ अदर बैंक, शेयर ऑफ द सेम बैंक, उसके बाद सरेंडर वैल्यू ऑफ द लाइफ पॉलिसी, ऑल द अबव। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, सरेंडर वैल्यू ऑफ द लाइफ पॉलिसी। तो सरेंडर वैल्यू ऑफ द लाइफ पॉलिसी के अगेंस्ट आप लोन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ कस्टमर बैंक सिचुएशन होते हैं दोस्तों, यहाँ पे कस्टमर कंप्लीटली डिपेंड करता है और बैंक के एडवाइस को बिलीव करता है, इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं। तो बैंक का बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, ट्रस्टी बेनिफिट रिलेशनशिप, क्लाइंट रिलेशनशिप। दोस्तों प्लीज़ अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑल दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर ओनली, सो प्लीज़ रिमेंबर। सो यहाँ बताइए कि ये किस तरह का रिलेशनशिप है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ट्रस्टी बेनिफिशियरी रिलेशनशिप। दोस्तों क्या होता है कि कस्टमर बैंक के सिचुएशन में जहाँ पे कस्टमर कंप्लीटली डिपेंड करता है और बिलीव करता है बैंक के एडवाइस पे, उसे कहा जाता है ट्रस्टी बेनिफिशियरी रिलेशनशिप। दोस्तों फिर पूछा जा रहा है कि जो गार्निशी ऑर्डर होता है वो रिसीव होता है कहां पे, हेड ऑफिस में किसी बैंक का, और कस्टमर अकाउंट जो है कौन सा ब्रांच में अटैच नहीं किया जाएगा इस ऑर्डर के द्वारा, फोर्ट मुंबई ब्रांच, माउंट रोड चेन्नई ब्रांच, साल्ट लेक सिटी कलकत्ता ब्रांच, सिंगापुर ब्रांच, सिंगापुर का फॉरेन ब्रांच है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों कस्टमर अकाउंट जो फॉरेन ब्रांच पे है बैंक में वो अटैच नहीं किया जा सकता जो गार्निशी ऑर्डर रिसीव हुआ है बैंक के हेड ऑफिस पे। देखिए ये सब सवाल पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BNA का जो इन्वेंशन है, BNA मशीन का जो इन्वेंशन है वो बैंकों को हेल्प किया कि वो प्रेशर को ईज कर सके जो कि टेलर पे क्यों लगा के होता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट BNA के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है। BNA इंस्टॉल होता है ऑन साइट एज वेल एज ऑफ साइट, द डिपॉजिट अमाउंट इज क्रिएटेड ऑन द कस्टमर अकाउंट इमीडिएटली, BNA हैव द मल्टी फंक्शनल एबिलिटी टू ऑफर डिपॉजिट और डिस्पेंस ट्रांजेक्शन ऑफ बंडल नोट्स अप टू 300 मिक्स नोट, RBI सब्सिडाइज द कॉस्ट ऑफ BNA अप टू 50% इन अर्बन एरिया एंड 75% इन सेमी अर्बन एरिया। बताइए दोस्तों क्या सही जवाब है इसका। तो दोस्तों इसका सही जवाब मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। देखिए BNA होता है बैंक नोट काउंटिंग एंड डिस्पेंसिंग मशीन। तो BNA का मल्टी फंक्शनल एबिलिटी है कि वो डिपॉजिट कर सकता है, ट्रांजेक्शन को डिस्पेंस कर सकता है 300 मिक्स नोट के बंडल का। दोस्तों अपील अगेंस्ट द अवार्ड बाय द ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन ने कुछ अवार्ड दिया, इसको बैंक को करना है कितने दिनों में और कब से। ऑप्शन है ए है 20 डेज विद फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द कस्टमर, बी है दोस्तों 30 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कस्टमर, सी है 30 डेज फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द कस्टमर, डी है 30 डेज फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कस्टमर। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 30 डेज। तो दोस्तों अवार्ड के अगेंस्ट अपील किया जा सकता है, ओम्बड्समैन के अवार्ड के अगेंस्ट बैंक कर सकती है विद इन 30 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ द इंटीमेशन फ्रॉम द कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि APY में सब्सक्राइब करने का मिनिमम एज, अटल पेंशन योजना, 10, 15, 18, 21। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 18। अटल पेंशन योजना में मिनिमम एज है सब्सक्रिप्शन का 18 साल। दोस्तों मिस्टर ए का 5,000 बैलेंस है आपके अकाउंट में, बैंक ने 2 गार्निशी ऑर्डर रिसीव की, एक 6,000 रुपये का और दूसरा 3,000 रुपये का ए के नाम से। तो पहला ऑर्डर रिसीव हुआ बैंक को 10:30 पे, लेकिन दूसरा ऑर्डर रिसीव हुआ 1:30 पे। तो बैंक क्या करेगी, पहले ऑर्डर पे ऐड करेगी, दूसरे को इग्नोर करेगी, दूसरे ऑर्डर पे ऐड करेगी और बैलेंस सफिशियंट है उसके लिए ऐड करेगी 6623 के प्रपोर्शन में, अटैच करेगी 3,000 को सेकंड ऑर्डर के लिए और 2,000 को फर्स्ट ऑर्डर के लिए। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा बैंक जो है पहले ऑर्डर पे एक्ट करेगी और जो सेकंड गार्निशी ऑर्डर है उसको इग्नोर करेगी, जैसे जो कि बैलेंस जो है अकाउंट में
इनसफिशियंट है दोनों ऑर्डर को मीट करने के लिए। दोस्तों पूछा जा रहा है कि जो माइनर है उसका डिपॉजिट अकाउंट है जो कि ऑपरेट कर रहे हैं उसके फादर और नेचुरल गार्जियन, तो यदि लेटर यदि फादर नेचुरल गार्जियन का डेथ हो जाता है तो कौन रिसीव करेगा प्रोसीड ड्यूरिंग द माइनॉरिटी ऑफ द माइनर, माइनर हिमसेल्फ, ग्रैंडफादर, कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन, नन ऑफ दिस। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन। यदि नेचुरल गार्जियन किसी माइनर का जिसका डिपॉजिट अकाउंट है उसका मृत्यु हो जाती है तो जो प्रोसीड है माइनॉरिटी ऑफ द माइनर उसको रिसीव किया जाता है कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो क्या रिलेट नहीं करता है, NIM ऑफ द बैंक। दोस्तों नेक्स्ट है मार्जिन मनी जो कि कंट्रीब्यूट किया जाता है बॉरोअर के द्वारा, नेक्स्ट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ द बैंक और नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट। ए है 1, 2 एंड 3, बी है 1, 2 एंड 4, सी है 1, 3 एंड 4, डी है 2, 3 एंड 4। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 4। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो दोस्तों NIM ऑफ द बैंक को रिलेट नहीं करता, मार्जिन मनी को रिलेट नहीं करता जो कि कंट्रीब्यूट होगा बॉरोअर के द्वारा और डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट कंट्रीब्यूट नहीं करता। ये दोस्तों रिलेट करता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ द बैंक। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ FRBM, तो फिर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मेंटेनेंस, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मिस्टर ए का करंट अकाउंट है आपके बैंक में, उसने डिपॉजिट किया 5,000 रुपये का चेक आपके अकाउंट में, तो दोस्तों जिसको भेजा जा रहा है कलेक्शन के लिए, गार्निशी ऑर्डर इशू किया गया और उसने दोस्तों डिपॉजिट किया है अपने ओवरड्राफ्ट अकाउंट में और अकाउंट जो है क्रेडिट बैलेंस में है, तो इस केस में पहला ऑप्शन कर रहा है कि चेक जो है जो डिपॉजिट किया गया उसको अटैच कर लिया जाएगा, जो क्रेडिट बैलेंस है ओवरड्राफ्ट अकाउंट में उसको अटैच कर लिया जाएगा, जो चेक भेजा गया है कलेक्शन के लिए फ्यूचर डेप में वो अटैच नहीं होगा, ओनली 1 एंड 2। देखिए दोस्तों समझिए इसका, इसमें क्या होगा, इसमें मिस्टर ए का करंट अकाउंट है आपके बैंक के साथ, उसने डिपॉजिट किया, तो इस केस में दोस्तों जो क्रेडिट बैलेंस है अकाउंट ओवरड्राफ्ट उसको अटैच किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कौन सा NPCI, गलती से NPCI लिख देते हैं दोस्तों, NPCI करेक्ट कर लीजिएगा, NPCI के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, NACH, AEPS, NPCI, नॉन ऑफ द अबव। सही जवाब है दोस्तों नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों यदि आपको इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, यदि आपको केस स्टडीज, MCQs, सब कुछ भी चाहिए दोस्तों JIB से रिलेटेड, तो 3,500 से 4,000 क्वेश्चन का सेट है हमारे पास क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको डिटेल जानकारी प्रोवाइड करूंगा कैसे आप उसे एक्सेस कर सकें, क्योंकि कम समय में दोस्तों ये सब चीज़ आपके लिए इफेक्टिव साबित होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, बैंकिंग सर्विस जो है वेल्थ मैनेजमेंट में वो किस तरह डिलीवर होता है, ATM से, टेलीफोन बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग से या फेस टू फेस ट्रांजेक्शन से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, फेस टू फेस ट्रांजेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एथिकल फाउंडेशन ऑफ बैंकिंग डिपेंड्स ऑन, एथिकल फाउंडेशन देखिए एथिक्स से टॉपिक से है, मॉड्यूल ई से है कि डीलिंग विद डिलेमास फॉर द राइट वर्सेस लेफ्ट, गार्ड रेपुटेशन और गुडविल, हेल्प इन अवॉइडिंग रिस्क। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3, यानी एथिकल फाउंडेशन तीनों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि RBI ने रिवाइज फ्रॉम करप्ट एक्शन फ्रेमवर्क बेस्ड होता है 3 पैरामीटर पे विथ सर्टन थ्रेशोल्ड, इनमें से कौन सा एक पैरामीटर नहीं है, हाई NPA परसेंटेज, नेगेटिव रिटर्न ऑन एसेट, सी है CRAR सॉरी विलेज एंड बेसल 3 रिक्वायरमेंट, डी है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो अबव द थ्रेशोल्ड। करेक्ट है आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो अबव द थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कौन सा UPI का की फीचर नहीं है, वन टाइम मैंडेट, इनवॉइस वेरिफिकेशन, लिंक एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट, एडिशनल सिक्योरिटी थ्रू साइन इंडेंट एंड QR। तो दोस्तों की फीचर UPI का है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी के सभी हमारे की फीचर हैं UPI के। दोस्तों ये था हमारा पार्ट वन लेक्चर, जैसे मैंने आपको 25 MCQs करवाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले, इसी तरह दोस्तों आप देख सकते हैं कि ढेर सारे MCQs हैं इस पार्टिकुलर PDF में जिसको मैंने कंपाइल करके रखा है, पिछले 3 से 4 साल का MCQs हमारे पास अवेलेबल है इन द फॉर्म PDF। सो इफ यू वांट टू एक्सेस अच्छा PDF प्लीज़ व्हाट्सएप मी ऑन नंबर ऑन द स्क्रीन, दिस इज अ पेड PDF, सो आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल रिगार्डिंग द पेमेंट। धन्यवाद दोस्तों।